हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक ऐसे लेके आई हूँ दैट इज़ माय व्यू टू मेक एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री, कि एग्ज़ाम को स्ट्रेस फ्री कैसे बनाया जाए उसके लिए अपना पर्सपेक्टिव। ये 3rd to 5th क्लास के लिए CBSE में भी इसके कंपटीशन हो रहे हैं इसके ऊपर, तो ये ऐसे आपको बहुत हेल्प करेगा इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग एनी अदर एग्जाम। एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताएंगे। सबको पता है, एग्ज़ाम देते भी आ रहे हैं अब तक। एग्ज़ाम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम। एट ईच लेवल वी हैव टू टेक एग्ज़ाम, लाइक इन स्कूल, कॉलेज, एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मैनी मोर। हर लेवल पे हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। नर्सरी में होते हैं आप, LKG, UKG, फर्स्ट में तो आपकी स्कूलिंग होती है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको कॉलेज ड्यूरिंग कॉलेज आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आपको किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ इन आर स्कूलिंग। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं स्कूलिंग की। इन आर स्कूलिंग वी हैव डिफरेंट एग्जाम लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है? एग्ज़ाम आर द टेस्ट ऑफ आर स्किल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स आर सब्जेक्ट। एग्ज़ाम क्या करते हैं? ये हमारी नॉलेज को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को टुवर्ड्स आर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के प्रति कितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसे टेस्ट किया जाता है। एग्ज़ाम एक टाइप का मोटिवेटर भी है। एग्ज़ाम आर अ टाइप ऑफ मोटिवेटर। कैसे? एज इट्स इनकरेज अस टू स्टडी हार्ड एंड इंगेज टू आर स्टडीज़। जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बहुत बढ़ जाता है, तो एग्ज़ाम एक तरह का मोटिवेटर। अभी आपको बता दीजिए कल आपका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आप लोग पढ़ने बैठ जाएंगे, तो उसने क्या किया, आपको एक तरह से मोटिवेशन किया, आपको मोटिवेट किया, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। दूसरे, अगर ये तो हमने इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा दिया, उसका दूसरा हैंड देखते हैं। ऑन द अदर हैंड इट क्रिएट द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट। जब एग्ज़ाम होते हैं तो हमारे पे बहुत सारा प्रेशर होता है, हमें नींद नहीं आती है, सर में दर्द होने लगता है, वो सब ड्यू टू टेंशन होता है, सच एज हेडेक, डिफिकल्टी इन फोकसिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू स्ट्रेस एनवायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम। क्यों ये सब होता है? फिर जैसे हमें टेंशन हो गई तो हम अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, हमें सर में दर्द होने लगा, हमें नींद नहीं आई, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा व्यू क्या है? तो हेयर आर माई व्यू टू मेक एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री। तो मेरा व्यू क्या है, चलिए इसे मैंने ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट, ईट हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। क्यों? इट प्रोवाइड्स प्रॉपर न्यूट्रिशंस टू आर बॉडी टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप स्ट्रांग होंगे फिजिकली एज वेल मेंटली, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टेंशन को ईजिली टैकल कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर आप बीमार होंगे, बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो आपको छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखाई देगी और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सेकेंड, एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट्स अ रेमेडी टू स्टे हेल्दी फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड बिकम स्ट्रेस फ्री। यू नो, जो एक्सरसाइज होता है वो एक तरह का योगा होता है, एक तरह की रेमेडी होती है। जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। फिजिकली तो फिट रहते ही रहते हैं, वो मेंटली भी फिट रहते हैं। मेंटली फिट रहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है, बट वो उसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही कामफुली टैकल कर लेते हैं। एक दो बच्चे हैं, ए और बी, ए को कोई हमने प्रॉब्लम दे दी, वो एकदम से हाइपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंसड हो जाएगा। बी है, वो प्रॉपर डाइट लेता है, सब चीज़ों को फॉलो करता है, प्रॉब्लम्स के सामने वही, पर उसे बहुत ही ईजिली वैसे टैकल कर लेगा, मतलब उसे टेंशन नहीं लेगा। थर्ड, स्टार्ट स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कल पेपर है तो हम आज इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो स्टडी को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए। ब्रेकअप स्टडी आवर्स एज पर टाइम टेबल, इट ऑल्सो मेक स्ट्रेस फ्री। जो हमारा स्टडी आ रहा है उसे हमें ब्रेक कर लेना चाहिए कि 2 आवर्स ही पढ़ेंगे, 2 आवर्स टाइम टेबल बना लेना चाहिए बेसिकली, ठीक है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी एज इट हेल्प टू रिलैक्स द माइंड एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। जब भी आप पढ़ रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी देर का नैप लेना चाहिए, जिसे ब्रेक बोलते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, हमारा माइंड फिर से प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। जैसे कि एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक ह्यूमन माइंड, एवरेज ह्यूमन माइंड 50 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है एट अ टाइम, तो उसको 50 मिनट्स के बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है फिर से उसे अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमारे आज का ऐसे था, ऐसे का टॉपिक था, आई लर्न थ्रू न्यू थिंग्स व्हेन आई प्ले। सॉरी, ये था माई व्यू टू मेक एग्जाम स्ट्रेस फ्री। मैंने 2 को एक में ऐड कर दिया गया, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे था माई व्यू टू मेक एग्जाम स्ट्रेस फ्री। ये आपका ऐसे है, बहुत हेल्पफुल है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आपके वैसे भी 5th लेवल, जो आपका 5th स्टैंडर्ड होता है, उसमें इसी टाइप के आपके ऐसे आते हैं, ओके। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और एक नए ऐसे फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।